हाँ क्या लगता है? चार कपड़े बांध कर ले जाओगी और हो गया इस कमरे का कैंसर, हर हर एक दीवार पर तुम बसी हो, ले जाओ दीवारें अपने साथ। इस आईने पे, इस फर्श पे, इस कमरे के हर एक कोने पे तुम बसी हो सुमन, ले जाओ सुमन मेरे साथ। इस कमरे के अंधेरों में उजालों में सब में तुम्हारा हिस्सा है, ले जाओ अपने साथ, ले जाओ सब ले जाओ। बीवी नहीं हूं मैं आपकी, और बीवी के अलावा किसी मर्द के कमरे में कोई और रहे, जानते हैं ना उसे आपके समाज में क्या कहते हैं? इस परिवार का बेटा दुनिया की सारी लड़कियों को छोड़कर एक किन्नर के पीछे पागल है। आज तो सिर्फ ये बात मैं बोल रही हूँ, कल दिन को पूरी दुनिया ये बात बोलेगी और फिर आपकी परवरिश पर उंगलियां उठेगी। मुझे माफ कर दीजिए हरमन जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सच तो ये कि तुम मेरी सांसों में बसी हो और अब मुझसे दूर मेरी सांसों की डोर काट के ही जा सकती हो। तुम मुझसे दूर जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो ना, जाओ, पर तुम मुझे नहीं जानती सोम्या। मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं हरमन सिंह माता रानी के सामने ये कसम खाता हूं कि जब तक तुम अपने दिल से मुझे अपना पति नहीं मानोगे, तब तक मैं तुमसे ना किसी पत्नी धर्म की उम्मीद करूंगा और ना ही प्यार। ये मेरी बदनसीबी है हरमन जी, जैसा आप चाहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं तो सोचा ही नहीं था इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगे। वाह, हो गया, अभी आंसू पूछ लो, मैनू नहीं अच्छे लगते आपकी आंखों में। प्रीत, बाप का नाम शमशेर सिंह, दादा का नाम लाला उत्तम चंद। पांच पीढ़ियां मैनू याद है प्रीत, और ये पांचों की पांचों कमाल के एक्टर थे। ये लहदा बात है कि इनके पास डायरेक्टर अच्छे नहीं थे जो इस हरक सिंह के पास है। एक खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है जिसका नाम है प्रीत, मेरी प्रीत। ठीक है जी, आप तरीका बता दीजिए, मैं अभी इस कमरे से निकलने के लिए तैयार हूँ। मैं जो तुझे समझा रही हूँ तू ध्यान से सुन, और जैसा कह रही हूँ वैसा करते जा। बस मैं तुझे एक थप्पड़ मार दूंगी, फिर मैंने जो कहा है वो सवाल तू उठा देना। हरक जी को मैं संभाल लूंगी, हरमन अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देख पाएगा, फिर काम हो जाएगा। कभी कभी घी को निकालने के लिए उंगली कुछ ज्यादा टेढ़ी करनी पड़ती है। नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, दोबारा फिर एक्टिंग करनी पड़ सकती है। ओके, ठीक है जी। ओ, तैयार हो जी? हाँ जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे जी। बंदा हाजिर है, ऑर्डर प्लीज।
हम समझ सकते हैं। इस सब से तुझे बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, मुश्किल हो रहा होगा तेरे लिए, समझ सकते हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैं तो आज भी आपको मम्मी जी और पापा जी ही मानती हूं। हो सके तो मेरे उस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने वहां जो कुछ भी कहा, मैं दिल से ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है। तू दिल दी सच्ची और सुची है, एक गल जो है गंड बंद ले। और ये जो परिवार वाले हैं ना, मैं अच्छी तरह जानना है, उदी तू टेंशन न ले, वो सानू पता है। सिर्फ तू ज्यादा ना सोच, सोचा सब ठीक हो जाना। एक बात कहनी थी जी, मेरी जाने के बाद हरमन जी से प्लीज कहिएगा कि आज मैंने जो बात की वो दिल से नहीं की। मैं जानती हूं कि वो कभी भी कुछ नहीं भूलेंगे, लेकिन उन्हें दुख जरूर पहुंचा है। मेरी तरफ से माफी जरूर मांगिएगा। काश मैं खुद जाकर हरमन जी से सब कह पाती, उनसे माफी मांग पाती। सच में जी, बहुत ही चंगा मुड़ा है वो वरुण। अगर वो सुरभि का हाथ नहीं थामता तो तने हम क्या करते। लगता है तेरे नसीब में परिवार की खुशी नहीं है मनिंदर। इतने बाद एक सापा और फिर लोगों को सफाई देना, हम समझ सकते। अंकल जी, मेरे पापा आप सबको सफाई सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप सब लोग अपने सवाल लेकर दोबारा हमारे पास ना आए। और मैं सुरभि, मुझे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी पूरे पिंड विच लड्डू बंटवाएंगे। लड्डुओं की जरूरत नहीं है माजी, हम तो चाहते हैं आपके परिवार विच सब चंगा रहे। अच्छा जी, हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पापा, अब तो मैं और वरुण यहाँ रह सकते हैं ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आई गेस। अरे भाई, क्यों नहीं रह सकते हैं, अब तो सब चंगा हो गया, अब आराम से रहो तुम दोनों यहाँ भाई। ओ बेबे, ओ दामाद जी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजार तो करिए। हाँ, उन्हें बना के ले आई। चलो बहन जी। हाँ जाओ जाओ जाओ, आराम करिए। ओ मैं सुरभि, हम यहाँ क्यों रहेंगे, हम अपने घर क्यों नहीं चल सकते हैं? वरुण, अब हर सवाल जवाब से फ्री हो गए हैं ना, हम यहाँ रह सकते हैं ना आराम से। और वैसे भी मैं यहाँ इसीलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हरमन जी ने उस दिन दी को क्यों नहीं अपनाया। ये जानना चाहती हूँ कि प्रीतो की चाल में पापा शामिल थे या नहीं, और इन सब का जवाब यहीं रहकर मिल सकता है। बस इसीलिए रहना चाहती हूँ यहाँ। सॉरी सोनिया, मुझे तुम्हें इस मैटर से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रीतो की सच्चाई पता चली तो
तो ये भी पता चल जाएगा कि मैं उससे मिला हुआ हूँ और फिर मैं तुम्हें खो दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है सुरभि, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो अब मैं फैक्ट्री के लिए निकलता हूँ, वरना प्रीतम मामी मुझे फैक्ट्री से निकाल देंगी। ठीक है? नहीं निकालेंगी, तुम आराम से चलो। ठीक, लव यू, बाय बाय। ये घर हमें वापस नहीं मिल जाता। दीदी, हमें घर वापस तो मिल जाएगा ना? है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन इसके लिए हम सबको इस समाज के जोर के आगे एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी, तभी मिल सकता है ये घर अब। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। इनका तो पता नहीं, प्रीतो हमारे साथ एकजुट हो गई होती ना तो हमारा भला हो जाता। अच्छा सुनना, एक बार प्रीतो से फिर से बात करके देखें। सुनिए जी, मैनू भी अखबार तुम लोगों की तरह खाली नहीं बैठी रहती हूँ। आज थोड़ा सा वक्त निकाल दूंगी, आकर मिल लेना। अब फोन। ठीक है जी। मामा मामी का कमरा क्यों बिगड़ा हुआ है? मामा मामी कहाँ हैं? अरे तू अनु नहीं पता? अरे तू तो हमारे घर का सबसे बड़ा खबरी है, तेरे को तो सबसे पहले पता होता है। वो क्या है ना, जब घर में सब नाटक हो रहा था ना तो सो गया। कोई बात, पता चल जाएगा अभी। वैसे भी इस घर में हर रोज नाटक होता है। मामा मामी कहाँ हैं? तेरी मामी आउट हाउस में है, क्योंकि अब से वही उसकी असली औकात और जगह है। आउट हाउस? मामी, मामी आप बहुत सीधी सादी हो, आप इन लोगों का नाटक नहीं जानती हो। पहले इन लोगों ने आपको कमरे से निकाला, अब आपको घर से निकालेंगे, तो यही प्लान है। चिंटू जी, ये लोग मुझे यहाँ से नहीं निकालना चाहते, बल्कि मैं खुद इस घर से बाहर जाना चाहती हूँ। और आप भी ना, आप भी मुझे अपनी मामी मत मानिए, मैं आपकी मामी नहीं। किन्नर है तो क्या हुआ, मक्खन से शरीर को छूने में एहसास तो वही होगा। अच्छा है, अब तो हरमन के कमरे से भी अलग थी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मामी, मैं आपको भगवान से प्रार्थना करके बुलवाता हूँ और आप हर रोज जब भी आते हो इधर तो भागने का नाम लेते हो। क्योंकि अब आपके भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ इस घर में रहूँ। भगवान क्या चाहते हैं, बाद में आएगा चिट्टू जी। सबसे पहले यह आएगा कि हरमन सिंह क्या चाहते हैं, और हरमन सिंह ये चाहते हैं कि तेरी मामी यहां से कहीं ना जाए। चिंटू जी, अपने मामा से कह दीजिए जिस दिन 20 लाख पूरे हो जाएंगे
उस दिन मैं यहां से चली जाऊंगी। चिंटू जी, अपनी मामी से कह दीजिए कि जाए और अपनी हिसाब किताब की नोटबुक लेके आए। तो चिंटू जी, आपकी मामी कमा रही हैं दिन के 100 रुपए, यानी कि महीने के 3,000 रुपए, यानी कि साल के 36,000 रुपए, 10 साल के 360,000 रुपए, 20 साल के 7,20,000 रुपए, 40 साल के 14,80,000 रुपए। यानी कि अगर मामी को 20 लाख रुपए चुकाने हैं, उन्हें कम से कम यहाँ पर 50 साल के लिए काम करना होगा। पचास साल तब तक तो आप लोग बुड्ढे हो जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि तब तक तुम्हारी मामी में इतनी ताकत बचेगी कि वो अपने हाथों से अपने कपड़े अपने बैग में रखकर इस घर की दहलीज खुद पार कर सके। और हो सकता है शायद मेरे मालिक होने का गुरूर भी खत्म हो जाए। सच कहूं तो चिंटू जी, आपकी मामी ना तो मुझे और ना इस घर को कभी भी छोड़कर जा सकती। अब इस रिश्ते को नफरत से निभाओ या नाराजगी से, निभाना तो जिंदगी भर है।